सरकार की पहल है कि टीबी बीमारी 2025 तक पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसी को लेकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। इस सेमिनार में इस लक्ष्य को प्राप्त करने की चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से प्रोफेसर, स्टूडेंट और प्रिंसिपल चर्चा में मौजूद थे। वहीं जिला अस्पताल के प्रेरणा सभागार में कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले डॉक्टरों को सम्मानित किया गया। मार्च महीने की 1 तारीख से ही संचारी रोग अभियान चल रहा था, उसी क्रम में 10 मार्च से दस्तक अभियान भी शुरू हो चुका है, जिसके तहत आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर दस्तक देंगी और बीमार बच्चों को अस्पताल लाकर उनका इलाज भी करवाएंगी। वहीं आशा कार्यकर्ताओं को और भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जिसके तहत वो कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक करेंगी, टीबी से बचाव की जानकारी देंगी, संचारी रोगों से ग्रसित लोगों को बीमारी से बचाव का उपाय भी बताएंगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी सुधाकर पांडे ने कहा, हम दोनों लोग मिल करके इस जिले को बहुत अच्छा करेंगे। तीसरा चीज आपको ये बताना है, शुरू तो है बुद्ध पर बुद्ध आज मेडिकल कॉलेज में जो कि प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि टीबी जो है 2025 तक हमारे देश से निकल जाए, मुक्त हमारा देश टीबी मुक्त हो जाए, तो उसी के सिलसिले में एक सेमिनार आयोजित किया गया था बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, जिसके इनाग्रेशन समारोह में हम गए हुए थे और उस पर चर्चा हुई कि कैसे हम इस लक्ष्य को प्राप्त करें। और वहाँ के प्रोफेसर, कई प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल बीआरडी मेडिकल कॉलेज, सभी लोग उपस्थित थे और सभी के बीच में चर्चा हुई कि किस तरह से हम काम करें कि जिससे कि हम इस लक्ष्य को 2025 तक हासिल कर सकें। यहाँ पर हमारे प्रेरणा सभागार में आज ही बसंतपुर हमारी अर्बन पीएससी है, जिस पर एनक्वास सर्टिफिकेशन हुआ था और कायाकल्प अवार्ड मिला हुआ था, जिसको सम्मानित करने के लिए हमारे डॉक्टर्स, हमारे स्टाफ बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहे थे। उनका सम्मान समारोह था जिसमें सबको सम्मानित किया गया। और सर, संचारी रोग और दस्तक रोग अभियान चल रहा है, सर इसके बारे में बताएं। आज हमारा संचारी रोग अभियान भी 1 तारीख से चल रहा है और आज से दस्तक अभियान चलना शुरू हो गया है, जिसमें कि हमारी आशा एनम घर घर जाएंगी, दस्तक करेंगी, दरवाजे पर नाक करेंगी और कहेंगे कि आपके घर में कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो बुखार से पीड़ित है, तो उसको अगर ऐसा है तो उसको अस्पताल पर रेफर ले आएंगी और अस्पताल में उसका इलाज होगा। और साथ ही साथ इन बीमारी से, JEAS की बीमारी से लड़ने के लिए जिस तरह के प्रिकॉशन लेने हैं, उस सफाई रखना है, आस पड़ोस झाड़ी झंकार उसको हटा देना है, मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है, कोई भी अगर स्वच्छ पानी पीना है, कोई भी अगर बीमार है तो जिला अस्पताल और हमारे PSC CSC पर जाए और उसका इलाज कराए, जिससे कि JEAS से हम अपने ज़िले को मुक्त कर सकें। सर, कोरोना वैक्सीनेशन का भी चल रहा है सर, इसमें सर बता सकते कौन कौन लोग अभी लगाए? हाँ, कोरोना वैक्सीनेशन भी लगातार चालू है, जिसमें कि हमारे जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, बीआरडी मेडिकल कॉलेज एवं हमारे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल, कम से कम
20 प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वैक्सीन लेके जा चुके हैं और वो लोग प्रतिदिन टीका कर रहे हैं। हमारे जिला अस्पताल, महिला अस्पताल और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 6 दिन का टीकाकरण चल रहा है और हमारी जितनी भी अर्बन पीएससी हैं और हमारी रूरल जितनी पीएससी सीएससीज हैं उसमें सोमवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को निःशुल्क टीकाकरण हो रहा है। इसमें 60 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं सब लोग आए और टीकाकरण करा रहे हैं और 45 साल से ऊपर जितने भी कोमॉर्बिड हैं जिनको कई लंबी बीमारी है उनको भी बुलाया जा रहा है टीकाकरण के लिए। तो आज दस्तक अभियान के साथ साथ में हमारी आशा एएनएम घर घर जा रही हैं जो इन कामों को भी साथ में कर रही हैं। दस्तक के साथ साथ में वो लोगों को संवेदनशील बना रही हैं कि आप टीबी से भी लड़ना सिखा रही हैं, अगर कोई दिक्कत है तो आके हमारे अस्पताल में दिखाएँ और अगर 60 साल से ऊपर या कोई बीमार 45 साल से ऊपर है तो हमारे सीएससी पीएससी पे आए और निःशुल्क उसको कोविड वैक्सीनेशन का टीकाकरण होगा।